हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशांत। वेलकम टू द टेक यात्रा। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी शार्प में टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास का यूज़ करके हम फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्स्ट राइटर क्लास क्या होती है। सो टेक्स्ट राइटर क्लास सी शार्प में किसी एक राइटर को रिप्रेजेंट करती है जो कि कैरेक्टर्स की सिक्वेंशियल सीरीज को किसी भी फाइल में राइट कर सकता है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है। एंड देन इट्स अ पेरेंट क्लास ऑफ स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रिंग राइटर ऑल्सो। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, टेक्स्ट राइटर क्लास को दिखाया गया है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। तो क्लोज मेथड क्या काम करता है, जो करंट राइटर होता है उसको क्लोज कर देता है और राइटर के साथ जो भी रिसोर्सेज एसोसिएट होती है उनको रिलीज कर देगा। डिस्पोज मेथड क्या काम करता है, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट टेक्स्ट राइटर ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उन सबको रिलीज कर देगा। फ्लश मेथड क्या काम करता है, करंट राइटर के साथ जो भी बफर होता है, ठीक है, उसको क्लियर कर देता है। ऐसे ही हमारे पास किसी भी फाइल में राइट करने के लिए टेक्स्ट राइटर क्लास में कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि राइट मेथड के अंदर अगर आप कैरेक्टर पास करेंगे तो कैरेक्टर ही क्या काम करेगा, टेक्स्ट स्ट्रीम में राइट करेगा। अगर आप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को टेक्स्ट स्ट्रीम में राइट करेगा। राइट लाइन मेथड क्या काम कर देता है, एक लाइन को टेक्स्ट स्ट्रीम में राइट करके जो टर्मिनेटर है उसको न्यू लाइन पे छोड़ देता है। और ऐसे ही हमारे पास असिंक्रोनसली राइट करने के लिए हमारे पास राइट असिंक और राइट लाइन असिंक मेथड भी होते हैं। कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं एक बार जो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर है। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट राइटर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस से बिलोंग करती है, ठीक है। ये किसी भी फाइल में कैरेक्टर्स की सिक्वेंशियल सीरीज को राइट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रिंग राइटर क्लास की एक बेस या पेरेंट क्लास है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये थ्रेड सेफ नहीं होती, आप डायरेक्टली इस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एज इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप क्या काम करते हैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हम वो कैसे बनाने वाले हैं ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब टेक्स्ट राइटर क्लास काम भी कैसे करते हैं, तो हम क्या काम करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या काम करते हैं, क्रिएट टेक्स्ट मेथड होता है, ठीक है, फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट मेथड, उस मेथड को कॉल करते हैं। देन उस मेथड के अंदर एक जो फाइल का पाथ होता है वो एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंटैक्स में टेक्स्ट राइटर देन आइडेंटिफायर इक्वल्स टू फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट एंड देन इसके अंदर हम क्या काम कर देंगे, जो फाइल का पाथ है उसको पास कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, उस पाथ पे जो फाइल मिलेगी तो उसको ओपन कर देगा, अदरवाइज उसको क्रिएट कर देगा। एंड देन ये क्या काम करता है, फाइल के अंदर टेक्स्ट को राइट करने के लिए यूटीएफ एनकोडेड टेक्स्ट को यूज़ करता है। और अगर वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है राइट, उसके अंदर डेटा भी लिखा हुआ है, तो कंटेंट को ओवर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इसका एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। मैं दोनों क्लास का एग्जाम्पल एक साथ में समझाने वाला हूँ, तो एक बार ऐसे ही टेक्स्ट रीडर क्लास को भी गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो जो टेक्स्ट रीडर क्लास होती है वो भी सी शार्प में रीडर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो किसी भी टेक्स्ट फाइल से कैरेक्टर के सिक्वेंशियल सीरीज को रीड कर सकती है। ये क्लास भी सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस से बिलोंग करती है और ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप इस क्लास का भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। टेक्स्ट रीडर क्लास हमारी पेरेंट क्लास है स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रिंग रीडर क्लास की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट रीडर क्लास जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ये रीड ओनली स्टैटिक प्रॉपर्टी है राइट, कुछ मेरे पास यहाँ पे मेथड्स भी हैं, तो एक बार इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज मेथड, हम इन मेथड्स को पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्या काम करेगा, जो टेक्स्ट रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके साथ जो रिसोर्सेज होंगी उनको रिलीज कर देगा। डिस्पोज मेथड क्या काम करेगा, टेक्स्ट रीडर ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी रिसोर्सेज होने वाली हैं राइट सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस में उन सबको रिलीज कर देगा, ठीक है। थर्ड वन आता है कि पीक मेथड। पीक मेथड क्या काम करता है, रीडर का स्टेटस चेंज किए बिना राइट फाइल से नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
और ये क्या काम करता है, जब भी आप नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करते हैं तो ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। और अगर उसके अंदर कोई नेक्स्ट कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है फाइल के अंदर तो ये -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऐसे ही रीड मेथड होता है जो कि नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन मेरे पास रीड लाइन मेथड होता है कि एक कंप्लीट लाइन ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करें, ठीक है। और अगर वो लाइन नहीं है तो वो क्या काम कर देता है, नल रिटर्न कर देगा। एंड देन रीड टू एंड मेथड होता है, ये क्या काम कर देता है कि करंट पोजिशन से एंड तक, ठीक है, उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है उसे एज अ सिंगल स्ट्रिंग पूरे के पूरे डेटा को रीड कर लेता है, ठीक है। और एज वी हैव टोल्ड अर्लियर कि टेक्स्ट रीडर क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, तो डायरेक्टली हम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर आपको भी इस क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या काम करना होता है, तो फाइल एक ओपन टेक्स्ट मेथड होता है, ठीक है, जिसको आपको कॉल करना होता है। एंड देन ओपन टेक्स्ट मेथड को एक पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है स्ट्रिंग टाइप का, वो होता है फाइल का पाथ, ठीक है। तो हम क्या काम करने वाले हैं, अब विजुअल स्टूडियो पर मूव करके टेक्स्ट रीडर एंड देन टेक्स्ट राइटर दोनों क्लास के एग्जाम्पल को डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्लास काम भी कैसे करती है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया हुआ है, मेरे पास एक टेक्स्ट राइटर क्लास है, ठीक है, और एक मेरे पास इसके अंदर मैंने दो मेथड लिख दिए, एक तो फाइल को क्रिएट करने का, एक असिंक्रोनसली उसको क्रिएट आई मीन फाइल को क्रिएट करने का, राइट। देन मैंने क्या काम किया, एक रीड करने के लिए भी टेक्स्ट रीडर एग्जाम्पल क्लास बना लिया, देन उसके अंदर भी मेरे पास एक एग्जाम्पल मेथड है जो कि टेक्स्ट को रीड करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया है, मैंने इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया। अब इसको वन बाय वन समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट एग्जाम्पल मेथड को कॉल कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या काम किया कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है फाइल पाथ, जिसके अंदर फाइल के पाथ को स्टोर किया, ठीक है। फिर मैंने स्ट्रीम राइटर आई मीन सॉरी टेक्स्ट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट मेथड को कॉल करके, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या काम कर दिया, फाइल पाथ पास कर दिया। उसके अंदर मैंने क्या काम कर दिया, टेक्स्ट राइटर के अंदर मैंने हेलो टेक्स्ट राइटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल इन सी शार्प, ये दो लाइनें मैंने वहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन ये मेरा मेथड सही से चला, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, राइट कैरेक्टर असिंक मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया फाइल का नाम माई फाइल टू, ठीक है। तो उसने टेक्स्ट राइटर क्लास को ऑब्जेक्ट करके फिर से फाइल बना ली। फाइल बनाने के बाद राइट लाइन असिंक मेथड को कॉल करके मैंने उसमें ये दो लाइनें राइट कर दी फाइल के अंदर, ठीक है। और फिर से मैंने क्या काम किया, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुली चलता है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सिंक राइट सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर रीडर क्लास के एग्जाम्पल मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक फाइल है फाइल वन पाथ, उसको अब मैंने क्या काम किया, टेक्स्ट रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ओपन टेक्स्ट मेथड को कॉल किया। तो मेरे पास टेक्स्ट रीडर आ गया, मैंने क्या काम किया, उससे रीड डेटा को रीड किया। रीड लाइन मेथड क्या काम करेगा, एक लाइन रीड करता है, जो लाइन रीड की उसको कंसोल पे प्रिंट करा दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया हेलो टेक्स्ट राइटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट रीडर क्लास को ओपन करके मैंने क्या काम किया, यहाँ पे फिर से मैंने उसको दोबारा से रीड किया। दोबारा से रीड करने के बाद मैंने क्या काम किया, इस बार एक एरे बना लिया मैंने जो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। और मैंने क्या काम किया, रीड ब्लॉक मेथड को यूज करके कैरेक्टर को रीड किया, और जो कैरेक्टर आया उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या काम कर सकते हैं, थर्ड वन मेथड क्या होगा कि फिर से क्लास का ऑब्जेक्ट बना के टेक्स्ट रीडर क्लास का, ठीक है, आप रीड टू एंड मेथड क्या काम करेंगे, वो एक उस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपको एज ए सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। एंड देन मैंने वो सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड को यूज करके उसको वहां पे कंसोल पे प्रिंट करा दिया। तो आप देखेंगे कि इस बार जो दो लाइन थी दोनों की दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो आई थिंक आपको टेक्स्ट रीडर एंड देन टेक्स्ट राइटर दोनों क्लास का मतलब समझ में आया होगा, एंड देन दोनों को यूज करके कैसे हम फाइल हैंडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट करने एंड देन उसको रीड करने के लिए। अगर आपका इन दोनों से क्लास से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है या कोई भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे
रिप्लाई कर दूंगा। और आपको अगर वीडियो प्लस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।